चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हुड़हुड़ दबंग पीएम मोदी ने अलग ही अंदाज में किया सलमान खान का जिक्र। स्कूली छात्रों ने पीटी तालियां और बजाई सीटियां। कांग्रेस और कई अन्य दलों ने अगले महीने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना सर्वे करवाने की अपनी मांगे तेज कर दी है। नफरत फैलाने वालों का बीजेपी में होता है प्रमोशन। नूपुर शर्मा को भी मिलेगा आशीर्वाद। टी राजा को टिकट देने पर बोले अवेसी। यूपी में मदरसों में विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसा जा रहा है और मास्टरमाइंड की तलाश तेज हो गई है। यूपी एटीएस घुसपैठियों का नेटवर्क तलाश रही है योगी सरकार की टीम। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत नेता को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस सोच में पड़ गई है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने रानी अग्रवाल को सिंगरौली से टिकट दे दिया है। सच हो गई हिंडन वर्ग की भविष्यवाणी। अडानी के डूब गए 3.65 लाख करोड़। अडानी ग्रुप के शेयर में बड़ी गिरावट होने से NCEL को मिला 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। अमित शाह बोले किसानों के साथ करे साझा। इजराइल और हमास की जंग और तेज हो गई है। हमास ने दावा किया है कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में अब तक 5,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हमास ने कहा है कि उसने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इजराइल से बंधक बनाकर गाजा पट्टी में लाई गई 2 महिलाओं को गाजा और मिस्र के राफा सीमा बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। सलमान खान के फैन टाइगर 3 का तुलना 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान से कर रहे हैं। टाइगर 3 फिल्म के चलते काफी उम्मीदें जताई जा रही है। सलमान खान के फैन का कहना है कि 1,500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा टाइगर 3 सलमान भाई का। निफ्टी कल कमजोर रुख के साथ खुला, अंत में 260 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी ने 19,333 के पिछले निचले स्तर को छोड़ दिया। ये अक्टूबर के पहले स्तर में देखने को मिल रहा था। ये ब्रेकडाउन का संकेत है। वीकली, डेली और ओवरऑल मोमेंट इंडिकेटर में एक निगेटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हो पाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा जरूर किया कि कांग्रेस के द्वारा लगातार उनके नेताओं के बैठक में बुलाया गया था, लेकिन जब सीटों का ऐलान हुआ तो सपा को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते अखिलेश यादव राहुल गांधी से नाराज है और इंडिया महागठबंधन में शामिल होने से नाराजगी जता रहे हैं। सियाचिन में शहीद हुए पहले अग्निवीर जवान की शहादत में सेना ने शोक प्रकट किया है। इस बीच सेना ने यह भी बताया है कि अपने प्राण की आहुति देने वाले अग्निवीर जवान गवाते अक्षर लक्ष्मण के परिजनों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का धनराशि मिलेगा। लद्दाख के सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के जवान अक्षर लक्ष्मण लाइन ऑफ ड्यूटी पर तैनात के दौरान शहीद होने वाले भारत के पहले अग्निवीर जवान है। पटना जंक्शन के नजदीक एक होटल के कमरे में महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्याकांड की छानबीन के दौरान पुलिस को आरोपी पति के एक डायरी मिली और इस डायरी में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिससे यह साफ पता चलता है कि पति ने अपनी पत्नी को क्यों हत्या किया। डायरी में गजेंद्र ने लिखा है कि मेरी पत्नी शोभा कुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसका नाम धीरज है, जो सीतामढ़ी के रुकुंदी सैदपुर का रहने वाला है और वो SSP में जॉब करता है। इसकी ट्रेनिंग भोपाल में चल रही थी। दोनों मिलकर मुझे धमकी देते थे कि हम दोनों शादी कर लेंगे और मुझे बार बार टॉर्चर करते थे और शोभा बोलती थी कि आपके पास नहीं रहूंगी, धीरज से शादी करेंगे, हमें ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा तो अपने आप को गोली मार लूंगी। इन सारे बातों से विवश होकर उसकी हत्या मुझे करना पड़ा। आपको बता दें कि कमरे में पति और पत्नी दोनों साथ थे, लेकिन हत्या के बाद गजेंद्र मौके से फरार हो गया। कनाडा और भारत में जारी तनाव के बीच कनाडा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नेता ने भारत के साथ रिश्ता सुधारने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब भारत के साथ प्रोफेशनल रिश्ता बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल सरायकाले खां में नए 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिससे मध्य, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के बीच आवाजाही सुगम और बेहतर होगी। बिहार के औरंगाबाद जिले में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी महिला और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इजराइल हमास युद्ध ने सोने चांदी के कीमतों को न केवल थाम लिया बल्कि इसे बूस्ट भी कर दिया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया और इससे पहले 6 अक्टूबर को भारतीय सराफरा बाजार में 24 कैरेट सोना का दाम 56,539 रुपया प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और चांदी के रेट उस दिन
67,095 रुपए प्रति किलो पर था, तब से अब तक सोना 4159 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 60,698 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 4,999 प्रति किलो पर उड़ान भरकर 72,094 रुपए पर पहुंच गया है। खास तौर पर चीन का सेंट्रल बैंक सोने की तगड़ी खरीद कर रहा है, इससे सोने की कीमतों में बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अगर हालत ऐसा रहा तो सोना 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बहुत जल्द हो जाएगा। साउथ सुपरस्टार लखपति विजय की फिल्म लियो ने हर दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है। लियो फिल्म को रिलीज किए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। लखपति विजय की फिल्म लियो ने 5 दिनों में 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। फिल्म की कमाई का रफ्तार इतना तेज है कि ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड और साउथ का हर एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगा। दशहरे के मौके पर रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हां, रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए मूल वेतन 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावित हो जाएगा। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीर के परिजनों के लिए हालांकि रक्षा मंत्रालय की सहायता करीब करीब नियमित जवानों जैसी है, लेकिन पारिवारिक पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सेना के तरफ से और उनके परिजनों के तरफ से ऐसी आवाजें सुनने को मिल रही है। भारतीय नागरिकों का कहना है शहीद होने वाले जवान के परिजनों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले कई पोस्टर सोमवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लखनऊ में पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए। अखिलेश यादव ने इन पोस्टरों पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पोस्टर लगाने से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी किसी का पोस्टर लगा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। हर इजरायली बंधक के बदले $10,000 और घर हमास के आतंकियों को मिला था टारगेट, खुफिया एजेंसी ने दी जानकारी। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा का आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सीमावर्ती इलाके में अतिरिक्त कमांडो की तैनाती की गई है और इंटरनेट सेवा भी यहां बंद है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS चीफ मोहन भगवत का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सवाल करते हुए कहा है मणिपुर जैसे शांत राज्य में हिंसा का आग आखिर फैलाया कौन है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब प्रधानमंत्री यहां आएंगे तो वह उनके साथ मंच पर साझा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित ममित शहर का दौरा कर सकते हैं। यहां भाजपा उम्मीदवारों के लिए उनके प्रचार करने के लिए संभावना जताई जा रही है। लैरी पिंक को दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स माना जाता है। इसकी वजह यह है कि वो जिस एसेंट मैनेजमेंट कंपनी के CEO हैं, उसका एसेंट अंडर मैनेजमेंट $9.43 trillion की है। पिंक हाल में भारत आए थे, उन्होंने मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, मगर किसी को कुछ नहीं पता है कि आखिर उन लोगों के बीच में बात क्या हुआ है। मगर सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में कुछ नया और बड़ा होने वाला है। इसराइल ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी की नाकाबंदी कर रखी है। इसराइल ने खाना पानी और ईंधन की सप्लाई भी रोक दी है। इसके चलते गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमास ने 50 बंधकों को छेड़ने के बदले ईंधन की सप्लाई की अनुमति देने की शर्त रखी है। टाइगर श्रॉफ की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गणपत बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है। फिल्म की परफॉर्मेंस शुरू से ही डाउन चल रहा है, जिसके चलते यह फिल्म बहुत कम कमाई की हुई है। आपको बता दें कि गणपत मूवी 5 दिनों में 10 करोड़ के ही आंकड़ा छू सकी है, जो कि टाइगर श्रॉफ के जिंदगी के सबसे खराब और फ्लॉप फिल्म मानी जा रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेकर्स के लिए चिंता की बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $90.45 प्रति बैरल और WTI क्रूड के दाम $86.45 प्रति बैरल है। हालांकि भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत ₹96.72 है और डीजल के दाम ₹89.62 है। वहीं आज मुंबई में पेट्रोल ₹106.31 लीटर है और डीजल ₹94.27 लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में आज पेट्रोल के भाव ₹102.63 लीटर है और डीजल के भाव ₹94.24 लीटर है। वहीं बात करें कोलकाता के तो ₹106.03 लीटर पेट्रोल है और ₹92.76 डीजल है। मुकेश अंबानी ने कल जियो ग्राहकों के लिए बहुत खुशखबरी की बात कह दी है, जिससे आज पूरा भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो 5G जितने भी यूजर हैं, वह जियो 5G अनलिमिटेड पैक उस दिन तक इस्तेमाल करेंगे जिस दिन तक पूरे भारत में जियो फाइबर घर घर लग नहीं जाता, तब तक जियो 5G नेट पूरा फ्री चलेगा। संजय मसूरवाला यानी कि जियो के मैनेजर ने कहा है कि जियो 5G 2024 के नवंबर महीने तक जियो 5G पूरा अनलिमिटेड चलेगा, उसके बाद वैलिडिटी बांध दिया जाएगा और पूरे भारत में घर घर जियो फाइबर भी लगा दिया जाएगा। बिहार
बिहार के वन पर्यावरण मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव कब गर्मा जाते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। जब नीतीश कुमार के बयान तेजस्वी यादव हमारा बच्चा है और इसे आगे बढ़ाना है, जब नीतीश कुमार ने इस बयान को दिया है, इसी बयान को जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, हम और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को शुरू से ही चाचा मानते हैं। चाचा शुरू से ही हम लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम लोग नौजवान हैं और उनके भतीजे हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, तेज प्रताप यादव ने कहा। अगर डेली न्यूज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक डेली न्यूज पहुंचता रहे और लेटेस्ट काम की खबर आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट में जरूर बताइएगा 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की।